नमस्कार, मैं सुगन आनंद, IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि IID हर बार आपके लिए नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहा है, और आज भी हम आपको एक यूनिक बिजनेस आइडिया से रूबरू करवाएंगे। आज हम आपको बताएंगे एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़ी सारी जरूरी और अहम जानकारी। एथेनॉल एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में कई तरह से उपयोग किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इको फ्रेंडली भी है। भारत सरकार भी पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है। इस कारण भी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ओर उद्यमियों का रुझान बढ़ा हुआ है। एथेनॉल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स, आफ्टर शेव लोशन, ओरल केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। इसके अलावा पेंट और वर्निश के साथ साथ हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और सैनिटाइजर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एथेनॉल फ्रॉम मोलेसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल्स में मोलेसेस, ईस्ट, एंटीफोम, यूरिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉफ्ट वाटर, प्रोसेस वाटर और सॉल्ट की आवश्यकता होती है। एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण फर्मेंटेशन स्टेज है। इसमें सबसे पहले मोलेसेस को अधिकृत विक्रेताओं से खरीद कर एकत्रित किया जाता है। जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी उत्पादन क्षमता 50 किलो लीटर प्रतिदिन की है। इस कैपेसिटी पर डेली प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को भी लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुख्य तौर पर अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं। फिर इन टैंक से मोलेसिस को पंप की सहायता से रिसीविंग टैंक में फीड किया जाता है। इसके साथ ही कल्चर लैब में ईस्ट, एंटीफोम, यूरिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से मोलेसिस फर्मेंटेशन के लिए कल्चर प्रिपेयर किया जाता है। अब फर्मेंटर में मोलेसिस और कल्चर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, जिसके बाद एक निश्चित अनुपात में प्रोसेस वाटर को फर्मेंटर वेसल में फीड किया जाता है। यहाँ एक निश्चित समय में मोलेसिस का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के समय फर्मेंटेशन वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे रीसर्कुलेटिंग वाटर की सहायता से 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मेंटेन किया जाता है। दूसरा चरण सेपरेशन स्टेज का होता है। इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुई फर्मेंटेड वॉश को वॉश सेटलिंग टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इस फर्मेंटेड वॉश में एल्कोहल कंसेंट्रेशन 8% बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ से इसे फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन सेक्शन में फीड किया जाता है। यहाँ फर्मेंटेड वॉश को डीगैसिफायर कॉलम से पास करते हुए हीट किया जाता है। एल्कोहल के पानी से जल्दी इवेपोरेट होने की क्वालिटी के कारण एल्कोहल वेपर्स को वाटर ड्रॉपलेट से अलग कर दिया जाता है, और दूसरे चरण के बाद प्राप्त एथेनॉल की प्योरिटी 95% होती है। तीसरे चरण में प्यूरिफिकेशन होता है, और इस चरण में दूसरे चरण से प्राप्त हुई एथेनॉल का मॉलिक्यूलर सीव से प्रेशराइज्ड फ्लो कराया जाता है, जो एथेनॉल में मौजूद एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे पास होने के बाद प्राप्त हुई एथेनॉल की प्योरिटी 99.8% होती है, जिसे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद प्राप्त हुए वेस्ट वाटर और स्पेंट वॉश को डिस्चार्ज करने से पहले इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। वीडियो में दिखाए गए 50 KLPD प्लांट कैपेसिटी के साथ अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए लगभग 15 एकड़ एरिया, 850 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन और 80 से 85 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए जो मशीन्स और इक्विपमेंट चाहिए वो है डिस्टिलेशन सेक्शन, फर्मेंटेशन सेक्शन, टर्बाइन, वाटर पंप, बॉयलर, RO प्लांट, वाटर सॉफ्टनर प्लांट, कॉलम्स, कंडेंसर,
कंट्रोल वेव्स, फ्लो मीटर्स, प्रेशर ट्रांसमीटर, वैक्यूम पंप, लेवल ट्रांसमीटर, पाइपिंग सेक्शन, मॉलिक्यूलर सील्स, एयर कंप्रेसर्स, ऑटोक्लेव और लैब इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए लगभग 1,00,000 स्क्वायर मीटर जगह के साथ, क्योंकि सस्ती जगह में ही ये लगाना चाहिए, तो इसमें कम से कम 60 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। हमारी कंपनी ने लगभग इसमें 80 करोड़ रुपए का करीब हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें, क्योंकि हर समय बढ़ता ही रहता है। अब जैसे हम एथनॉल बनाने के लिए ग्रेन बेसिस से करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें तुरंत 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास सारे प्लांट पूरा लगा हुआ है, आरएस का भी लगा हुआ है, ईएनए का भी लगा हुआ है, एथनॉल का भी लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ जो पीछे से का बाकी ग्राइंडर हैं या अदर चीज़ लगानी पड़ेगी, स्टोरेज करना पड़ेगा ग्रेन को, उसके लिए 15 करोड़ रुपये तुरंत इस पर हमें लगाने पड़ेंगे। एथनॉल बनाने में जैसे गवर्नमेंट इसे प्रोत्साहन भी दे रही है, तो ईएनए का बनाने का मतलब यह है कि 5-10% का प्रॉफिट इसमें कंपनी को होता है। इसमें सबसे पहले अगर नया बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसके लिए लगभग 1-1.5 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि इसमें पब्लिक कॉल होती है, उस पब्लिक की सबसे आपत्तियां मांगी जाती हैं, उसके बाद एनओसी मिलती है। साथ ही एक्साइज का इसमें सबसे बड़ा रोल है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस PD2 मिलता है, और अलग अलग भी लाइसेंस उसके लेने पड़ते हैं कि शीरा खरीद के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, हम जो अपनी कंट्री लीगर हमें बेचनी है उसका लिए लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, कंट्री लीगर बेचने के लिए हमें IFSC से भी लाइसेंस लेना पड़ा और फूड से भी हमें लाइसेंस लेना पड़ा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में हम लोग रजिस्टर्ड हैं, ISI में रजिस्टर्ड हैं, हम ESI में रजिस्टर्ड हैं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, लगभग हमारे पास 15 लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आज ही IID से संपर्क करिए। अगर आपको किसी भी व्यवसाय के संबंध में हमसे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। IID के मेंबर बनकर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपनी उद्यम यात्रा को आप सरल बना सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको बिजनेस से जुड़े हर तरह के रजिस्ट्रेशन में भी सहायता मिलती है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव मोबाइल ऐप और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को।